तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार और दमदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया एक बिग साइज का, सीरियसली बहुत ही बड़ा बिग साइज का 2 BHK फ्लैट। और ये फ्लैट मेरे उन प्यारे कस्टमर्स के लिए हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से एक ऐसा खुला डुला घर ढूंढ रहे हैं, वो भी द्वारका मोड़ के पास। तो दोस्तों इस फ्लैट की वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया एक बहुत ही बड़ा खुला डुला दोस्तों 2 BHK फ्लैट। और दोस्तों ये फ्लैट मेरे उन प्यारे कस्टमर्स के लिए, उन प्यारे फैमिलीज के लिए डेडिकेटेड है जो काफ़ी लंबे टाइम से बिग साइज का स्पेशियस और वो भी वेंटिलेटेड 2 BHK फ्लैट सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने उसी फ्लैट का होम टूर कराने वाला हूँ, तो हमारे इस फ्लैट की वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों जो हमारे इस फ्लैट का साइज़ है वो मिलता है आपको 80 गज। जी हाँ दोस्तों, 80 गज का 2 BHK फ्लैट, वो भी विद लिफ्ट, विद कार पार्किंग फ्रंट साइड का, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है। तो जब आप इस फ्लैट की वीडियो पूरा देखोगे तो दोस्तों उसके आखिरी में मैं इसका प्राइस बताने वाला हूँ, और जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस फ्लैट की लोकेशन की। तो दोस्तों जो हमारे इस फ्लैट की लोकेशन है वो है द्वारका मोड़ के पास, मोहन गार्डन आर ब्लॉक, जो कि हार्डली मेन रोड से, मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से 700-800 मीटर की दूरी पे है। बहुत इजी अप्रोच है, बहुत इजी एक्सेस है घर पे आने के लिए, यानी कि अगर आप लोगों के पास कन्वेंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे ई रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू इजीली कमिट कर सकते हो। बाकी रही बात सारी की सारी बेसिक एमिनिटीज़ की, तो दोस्तों सब कुछ घर के अगल बगल में है, तो आपको कहीं पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी बात हमारी इस बिल्डिंग की, इस फ्लैट की। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर आपको हमारे इनसे काम मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो फ्लैट है इसका बिल्टअप एरिया है 80 गज। इस फ्लैट पे इजीली 80-85% का होम लोन अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों की सैलरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आप लोग चाहते हो कि हमें कम बजट में मैक्सिमम होम लोन के साथ 2 BHK फ्लैट मिले, तो दोस्तों जल्दी से और उसको अपना बनाओ, क्योंकि इसमें अभी हमारी लिमिटेड यूनिट्स ही अवेलेबल है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हैं, इस फ्लैट का होम टू शुरू करते हैं। होम टू शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों किस बात का इंतजार है, जल्दी से नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन ज़रूर करना, ताकि आपको हमारे ऐसे ही बेहतरीन फ्लैट्स की वीडियोज़ मिलती रहे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ हमारे फ्लोर प्लान पे। तो जैसा भी आपने बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन देखा, नीचे कंप्लीट पार्किंग देखी, तो दोस्तों अब हम करते हैं शुरू अपने इस फ्लैट का, इस बिल्डिंग का डिटेल्ड होम टूर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस बिल्डिंग की स्टेयरकेस की, तो जो बहुत ही खुली डुली है। कंप्लीट आपको स्टेयरकेस पे टाइल्स लगी मिल रही हैं, फुटलाइट्स लगी मिल रही हैं, जो कि रात में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो दोस्तों जो टाइल वर्क है ये हमारा कंप्लीट छत तक चल रहा है, तो छत तक आपको टाइल्स लगी मिलेंगी ऊपर टॉप फ्लोर तक। बाकी कंप्लीट लॉबी एरिया में भी देखोगे तो यहाँ पर भी हमने टाइल्स लगा रखी हैं, तो फिनिशिंग को लेके कहीं पे भी शिकायत नहीं होने वाली आपको हमारे इस बिल्डिंग पे। अभी जो हमारे इस बिल्डिंग में है 2 BHK 80 गज का सैंपल फ्लैट रेडी हुआ है। बाकी एक फ्लोर पे हमारे 3 फ्लैट हैं, जिसमें से एक यूनिट जो मिलती है वो मिलती है 3 BHK। 3 BHK का जो बिल्टअप एरिया है वो है 100 गज। तो दोस्तों ऑलमोस्ट इसमें फिनिशिंग का भी काम चल रहा है, तो अगर आप लोग 3 BHK फ्लैट देख रहे हो वो भी अंडर बजट में, तो आप इस फ्लैट पे भी आके विजिट कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो हफ्ते भर के अंदर ये फ्लैट भी हमारा रेडी हो जाएगा। और एक यूनिट मिलती है ये
ये हो गया 2 BHK, इसका बिल्टअप एरिया मिलता है 70 गज। तो दोस्तों हमारे एक फ्लोर पे जो 3 फ्लैट है तीनों ही फ्रंट साइड के हैं, तीनों ही विद लिफ्ट हैं, विद का पार्किंग है, फ्री रोड प्रॉपर्टी और तीनों पे ही 80% का होम लोन अवेलेबल है। तो अभी मैं जिसका होम टूर कराने वाला हूँ वो है हमारा ये फ्लैट जिसका बिल्टअप एरिया है 80 गज, जो बहुत ही प्यारा है। बाकी लिफ्ट का सेक्शन ये रहा जिसमें ऑलरेडी काम चल रहा है, इसमें आपको जो लिफ्ट है बिल्डिंग के अंदर महीने भर के अंदर वर्किंग मिलेगी, बाकी कंप्लीट स्पेस आपके सामने है। तो दोस्तों सीधा आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस बिल्डिंग के में, इस फ्लैट में। तो दोस्तों जैसे हम अंदर एंट्री लेते हैं, एंट्री करते हैं आपको बिग साइज़ का ड्राइंग रूम मिल रहा है। ड्राइंग रूम का टूर कराने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हमारी इस बिल्डिंग का गेट दिखाना चाहूँगा। जो गेट है बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत ही यूनिक वे में गेट क्रिएट कर रखा है। अगर हम बात करते हैं इसमें तो आपको यहीं पर जाली लगी मिल जाती है जिसको आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो, तो अलग से आपको लोहे का गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोहे के गेट की कॉस्टिंग होती है, जो इम्पैक्ट डालती है, वो यहाँ पर आपको बियर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा सिंगल फ्रेम का डोर है जिसमें आपको कहते हैं डबल सिक्योरिटी का लॉक मिल जाता है। लॉक्स आपके सामने है, कहीं पर भी आपको शिकायत नहीं होने वाली लॉक्स को लेकर, और अदरवाइज जब आप इसको चाबी से ऑपरेट करोगे तो सारे लॉक्स आपको यूज़ हो रहे मिल जाएंगे। बाकी कंप्लीट आपके सामने वुडन फिनिशिंग का गेट है जो बहुत ही प्यारा है। बाकी दोस्तों इस फ्लैट के अंदर जितना भी काम मिल रहा है ब्रांडेड मिल रहा है, ब्रांडेड इन द सेंस कि आपको लाइट्स हो गई, पंखे हो गए, इवन जो स्विचेस हो गए, स्विचेस भी जो आपको मिल रहे हैं एंकर कंपनी के मिल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे इस फ्लैट के डिटेल्ड होम टूर की। तो दोस्तों एंट्री कर रहे मिल रहा है आपको ड्राइंग रूम जिसका साइज है 20x14 यानी 20 फुट की लेंथ है और 14 फीट की विड्थ है, जो इतना बड़ा है। ग्रैंड साइज का ड्राइंग रूम है जिसमें आप लोग अपना बिग साइज का सोफा, अच्छा बड़ा डाइनिंग टेबल आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हो विदाउट एनी फैन बट। तो अगर आप लोग कम बजट में मैक्सिमम स्पेस के साथ 2 BHK फ्लैट सर्च कर रहे हो तो दोस्तों ये जरूर आपका ड्रीम होम होने वाला है। तो अगर ये आपका ड्रीम होम है तो डोंट वेट, जल्दी से इसको बुक कराओ क्योंकि इसमें अभी हमारे लिमिटेड यूनिट्स ही अवेलेबल हैं। तो दोस्तों स्पेस आपके सामने है, कंप्लीट आपके पास यहाँ पे सेटिंग की जगह मिल रही है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे हमने वुडन का वर्क कर रखा है जो इसमें बहुत ही अच्छा खासा एक इसकी लुक को एनहेंस करता है। इवन जब आप लोग अपने यहाँ फर्नीचर भी रखोगे तो भी उसमें आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाने वाला है। इवन जो हमने पीछे सेक्शंस दे रखे हैं आप लोग इसमें अपना फैमिली कोलाज कोई फोटोज हैंग कर सकते हो जो उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा एनहेंस करेगा। बाकी कंप्लीट ऊपर डबल लेयर की हमने फॉल सीलिंग कर रखी है जिसमें सारी की सारी ब्रांडेड लाइट्स मिल रही है, वार्म लाइट्स की हमने फिनिशिंग दे रखी है। बाकी दोस्तों अभी हमारे इसमें काम चल रहा है, सैंपल फ्लैट अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुआ। तो जिसमें अगर मैं बात करता हूँ पेंडेंसी की, तो जैसे इसमें अभी हमारे फैंस, झूमर, चिमनी और फाइनल टचअप का काम होना भी बाकी है। तो ऑलमोस्ट वो फिनिशिंग स्टेज पे है, तो जब आप लोग हमसे फ्लैट बुक करोगे तो उस टाइम पे भी फ्लैट आपको बिल्कुल रेडी टू मूव स्टेज पे मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ठीक सामने आपको ओपन किचन मिल रही है। ओपन किचन के हमने यहाँ पे बहुत ही प्यारे यहाँ पे हमने काउंटर टॉप क्रिएट कर रखा है जिसमें यहाँ पे आपको सीएनसी कटिंग की जाली लगा रखी है, इसमें हमने लाइट्स दे दी हैं और बहुत ही प्यारी फील के साथ है। तो जो मेरे प्यारे कस्टमर्स हैं जिनको यहाँ पे एक बार क्रिएट करने का शौक है, जो चाहते हैं कि मैं ड्राइंग रूम में बार क्रिएट करूँ, या फिर हमने यहाँ पे 2 लूज चेयर्स रख के हमने यहाँ पे अपना खाने का ईटिंग टेबल क्रिएट कर लिया, तो बहुत ही अच्छे यूनिक वे के अंदर हमने इसमें किचन क्रिएट कर रखी है जो कि बिग साइज़ की है, स्पेशियस है, तो स्टोरेज के लिए भरपूर जगह है। यहाँ पे ऊपर भी आपके पास पूरी कैबिनेट है, चिमनी के लिए यहाँ पे प्रोविजन है, चिमनी आपको लगी मिलेगी, और नीचे भी आपके पास पूरी कैबिनेट्स मिल रही हैं चैनल ड्रॉर्स के साथ जिसमें बहुत ही प्यारा फिनिशिंग का वर्क कर रखा है। प्रॉपर आपको नीचे वुडन फ्रेमिंग का काम कर रखा है और ऊपर आपको सिंपल प्लेन वे के अंदर सनमाइका यूज़ कर रखी है। बाकी सिंक का सेक्शन हो गया, सिंक लगनी है, बाकी कंप्लीट हमने यहाँ पे ब्लैक कलर ग्रेनाइट लगा रखा है जिसकी लुक और ज़्यादा एनहांस करता है। और ठीक सामने यहाँ पे आपको शोकेस मिल जाता है जिसमें आप लोग अपना कुछ ना कुछ डेकोरेटिव स्टफ रखना चाहो आप रख सकते हो। फ्रिज के लिए जगह यहाँ पे होगी दोस्तों, फ्रिज की जगह यहीं पे रहेगी जिसमें पावर का पॉइंट यहाँ दे दिया है। तो आपके पास अगर 200 लीटर का फ्रिज है, चाहे आपके पास 550, 600, 700 लीटर का फ्रिज है, वो भी आप यहाँ पे आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे इतनी जगह है जिसमें आप लोग अपना आराम से 4 या 6 सीटर का डाइनिंग टेबल भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो कहीं पे भी क्योस नहीं होने वाला फर्नीचर प्लेसमेंट को लेके। और अगर आपके गेस्ट वहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बिग साइज का टीवी पैनल, बिल्कुल बहुत ही यूनिक वे के अंदर हमने इसमें सनमाइका यूज़ करके मार्बल फिनिशिंग की जो इसकी लुक और ज़्यादा एनहांस करता है। तो अगर आप लोग एक होम थिएटर का सेटअप क्रिएट करना चाहते हो, चाहते हो कि हमारे पास अच्छी बड़ी जगह हो, तो दोस्तों उतना ही बड़ा टीवी पैनल है। यहाँ पे 3 शेल्फ मिल जाती है इसमें रखने के लिए और नीचे 3 चैनल ड्रॉर्स मिल जाते हैं, एक ओपन सेक्शन मिल जाता है स्टोरेज के लिए। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम का पार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया। और दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट बेडरूम, इसका रूम साइज मिलता है 12x12। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा ही हमारा रूम है, इसके अंदर जो आपको स्पेस मिलता है कंप्लीट 12x12 का रूम है। 12x12 का मतलब यह है कि 12 फुट की लेंथ, 12 फुट की विड्थ, आपके पास भरपूर जगह है, आपके पास चाहे 6x6 का बेड है, चाहे आपके पास 7x7 का बेड है, आप लोग अपना आराम से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और इस रूम के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि यहाँ पे आपको टीवी पैनल के साथ में हमने स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये हमने स्टडी टेबल, ये आजकल वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड है तो उसी पैटर्न पे हमने यहाँ पे स्पेस ऑर्गेनाइज कर रखा है जिसमें आप लोग अपनी चेयर रख के आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। ऊपर आपके पास स्टोरेज के लिए जगह मिल जाती है,
टीवी लगाने के लिए यहाँ पे जगह होगी, नीचे तीन चैनल रोड्स के लिए जगह मिलगी, तो स्टोरेज को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली आपको मेरे इस फ्लैट में, मेरा आपसे वादा है। बाकी इसके अंदर जो काम की फिनिशिंग है सब कुछ ओके है। इवन आपको छत पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्यारी आपको इसमें सिंपल एंड सुपर एलिगेंट आपको फॉल सीलिंग मिल रही है, जिसमें अभी फैन लगना बाकी है। और ठीक सामने यहाँ पे आपको बिग साइज की अलमीरा मिल जाती है गाइस, जिसमें हमने डबल टोन की माइका यूज़ कर रखी है। ये सेक्शन हमारा ओपनेबल है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये सेम स्टोरेज के साथ आपको जगह मिल रही है, उतनी जगह साथ वाली अलमारी में भी है। अभी सेक्शन हमारा लॉक है, तो जब आप ऑलमोस्ट लगा के चलो जब आप विजिट करोगे तब तक ये चीज़ ओपन हो जाएगी। बाकी गाइस ये हो गया हमारा, कहते हैं इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम, जो बड़ा बाथरूम है। तो बहुत सारे लोगों की एक कॉल होती है कि हमारे को बिग साइज रूम चाहिए, तो बिग साइज के टॉयलेट भी चाहिए गाइस। तो ये है स्पेस जिसमें यहाँ पे सेंटर में हमने सीट का प्रोविजन दे दिया है। ये शॉवर सेक्शन हो गया, जिसमें आप यहाँ पे कर्टेन लगा के अपना सेक्शन हाइड कर सकते हो। वैनिटी का सेक्शन यहाँ मिल गया। और दोस्तों बाथरूम के अंदर हमने बहुत ही प्यारा गेट लगा रखा है। ये हो गया इसकी गेट की फिनिशिंग, जो इसकी लुक को और ज़्यादा एनहेंस करती है। प्रॉपर आपको ग्लास डोर मिल रहा है, जो बहुत ही प्यारा है और यूनिक है। यूजली आपने ऐसा काम बहुत रेयर केस में उत्तर नगर के अंदर देखा होगा, जो हमने इस बिल्डिंग के अंदर काम करा है। तो गाइस ओवरऑल फिनिशिंग लुक आपके सामने है। ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसका रूम साइज था 12x12। इसमें आपको टीवी पैनल, स्टडी टेबल, अलमीरा, अटैच वॉशरूम, कंप्लीट आपके सामने स्पेस है। और गैस वही डोर की फिनिशिंग है, जो आपने मेरा एंट्रेंस डोर देखा था सेम वही डोर की फिनिशिंग आपको अंदर के डोर्स की भी मिल रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अदर सेक्शन पे। तो दोस्तों अगर आपको ये फ्लैट की वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको मैक्सिमम लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर दिए नंबर पे आप हमें कॉल करिए, या फिर अगर आपने इस बिल्डिंग पे इस फ्लैट की विजिट करनी है तो आपने अपना फ़ोन उठाना है, गूगल पे जाना है और टाइप करना है प्लानर एंड मेकर। नेविगेशन के थ्रू आप सीधा हमारे ऑफिस आइए, उसके बाद मेरी टीम आपको सारी की सारी चीज़ें एसोसिएट करेंगी और प्रॉपर्टी विजिट कराएंगी। अगर ये फ्लैट आपका ड्रीम होम है तो गाइस जल्दी से इसको बुक कराओ। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट सेक्शन जो भी आपने देखा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सेकंड बेडरूम में, जो कि मास्टर बेडरूम, क्योंकि इसमें आपको बालकनी मिल जाती है। और दोस्तों इस रूम का जो साइज़ है वो है 13x10 कंप्लीट। आपको 13 फुट की लेंथ है, 10 फुट की विड्थ है। बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे हमने वुडन का फ्रेम क्रिएट करके बेड की सेंटर वॉल क्रिएट कर दी है, जिसमें 3D कस्टमाइज वॉलपेपर लगा रखा है। छत पे बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी यहाँ पे भी फॉल्सिंग का काम हो रखा है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है कंप्लीट अटैच वॉशरूम, जिसमें वॉल टू वॉल प्रॉपर आपको टाइल्स लगी हुई है। सारी की सारी बेसिक ब्रांडेड बाथ फिटिंग्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको सीट का सेक्शन हो गया, वहाँ पे आपको कहते हैं वॉश बेसिन मिल गई, ये शॉवर सेक्शन हो गया। बिग साइज की विंडो है, अभी यहाँ पे आपको UPVC की फ्रेम लग जाएगा, जो कि आपको कहते हैं एग्जॉस्ट में हेल्पफुल रहेगा। बाकी स्लाइडिंग डोर के साथ आपको यहाँ पे डोर मिल रहा है, जिसको आप आराम से स्लाइड करके ऑपरेट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे मिल जाती है आपको टीवी पैनल, और यहाँ पे मिल जाती है आपको अलमीरा। और ये हो गया हमारा बालकनी का सेक्शन। तो दोस्तों अभी इसमें काम चल रहा है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया अभी भी इसमें गेट का प्रोविजन होना बाकी है। बाकी अच्छी बड़ी यहाँ पे आपको बालकनी का स्पेस मिल रहा है, जिसमें आपको ऐसे चौड़ाई मिल रही है 4.5 फुट की, और ऐसे जो लंबाई मिल रही है वो मिल रही है 6 फुट की। ये हमारी फ्रंट रोड होगी, छोटी गली मिल रही है, RCC की रोड है। यहाँ पे आपको गैस पाइपलाइन का कनेक्शन, पीने का पानी, सारी वो बेसिक एमिनिटीज़ हैं। तो दोस्तों ये हमारा 80 गज का 2BHK फ्लैट, जो बहुत ही खूबसूरत है और स्पेशियस है। तो अगर आप लोग कम बजट में मैक्सिमम होम लोन के साथ 2BHK फ्लैट सर्च कर रहे हो विद लिफ्ट विद कार पार्किंग, तो दोस्तों किस बात का इंतजार है, जल्दी सर इसको अपना बनाओ, क्योंकि इसमें अभी हमारे लिमिटेड फ्लैट ही अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं हमारे इस बिल्डिंग में इस फ्लैट के प्राइस की। तो दोस्तों जो इस फ्लैट का हमारा आस्किंग प्राइस है वो 37 लाख है, जो कि नेगोशिएबल है। और अगर ये फ्लैट आपके बजट में है तो जल्दी से कॉल करो और बुकिंग बुक कराओ। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्द इसके बाकी जो हमारे दो फ्लैट्स हैं 3BHK 2BHK, उनके भी सैंपल रेडी होने वाले हैं, तो उनकी वीडियो जरूर डालूंगा।